ભુજ શહેરમાં ચકચાર જગાવનાર મેન્ટલ હોસ્પિટલની માનસિક અસ્થિર યુવતી પર થયેલા દુષ્કર્મના બનાવ બાદ અમારા રિપોર્ટરે હોસ્પિટલના મનોચિકિત્સકની લીધી મુલાકાત। ભુજ શહેરમાં તાજેતર મેન્ટલ હોસ્પિટલ ખાતે એક માનસિક અસ્થિર યુવતીના ગર્ભધારણના બનાવ બાદ ભુજ શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી, જેમાં અમારા રિપોર્ટરે મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા ડોક્ટર મહેશ તિલવાણીનો સંપર્ક કરાતા જાણવા મળ્યું, જ્યારે એ યુવતીને દાખલ કરવામાં આવી હતી ત્યારે એ યુવતી ગર્ભવતી ન હોવાનું માલુમ પડેલ, પણ હમણાં તેને રજા અપાયા બાદ ટેસ્ટ કરાતા તે યુવતી ગર્ભવતી હોવાનું સામે આવ્યું હતું। વધુમાં એણે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે અહીં કોઈ સ્ટાફની જ આવી ગેરરીતિ કે બેદરકારી છે, જેના કારણે આ બનાવ બનેલ। તેમાં હવે પોલીસ ફરિયાદ કરાવીને આગળની તપાસ પોલીસ દ્વારા કરાશે। વધુ સાંભળીએ તેમના શબ્દોમાં। अमें जे पेशेंट ने घरे मोकलवानी तैयारी करी थी, बे महीना थी अँ दाखल थी। दाखल थे वखते गर्भवती नती एवं अमे टेस्ट करायु तो अमे हॉस्पिटल में ज करी थूँ। अने पछी ज्यारे अमे घरे मोकलवानो समय आयो तो मुंबई में श्रद्धा फाउंडेशन है एने एना मार्फते घरे मोकलवानुं हतुं, तो ए लोकोए त्यां टेस्ट कर्युं तो पॉजिटिव आव्यो। तो ये बहुत चौंकावी दे एवी बाबत है, कारण के गर्भ 7 अठवाडियानुं छे अने अहींया दर्दी 8 अठवाडियाथी हतो। तो सीधो प्रश्न एवं उपस्थित थाय छे के अहींया कोई पेशेंटे अथवा तो कोई स्टाफे एनी साथे दुष्कर्म कर्युं छे। तो हवे पुलिस फरियाद में नोंधाई छे। पछी वधारामां बीजो झटको ए लाग्यो अमने के शनिवारे एमने लोही पड़वा मांड्युं ने डॉक्टर ने बताव्युं तो एमने कह्युं के गर्भपात करावो पड़शे। सोनोग्राफी उपरथी एमने खबर पड़ी के गर्भनुं मृत्यु थयुं छे। तो मैं तरत ज पुलिस स्टेशन में जाण करी तो पुलिसे सैम्पल गर्भपात कर्या पछीना सैम्पल जे साफ करवानुं होय गर्भाशयने एना पछीना सैम्पल लीधा छे अने हवे आम गांधीनगरनी फॉरेन्सिक साइंस लैब मोकलवामां आव्या छे अने बधा स्टाफनो माहिती लीधी छे। पुलिसे बधाना नाम लीधा छे, बधाने एक एक करीने बधानुं निवेदन लई रह्या छे। पूछपरछ चालू छे अने जेम आप कहो छो के आ हॉस्पिटल माटे बहु गंभीर अने बदनाम करे एवी घटना छे, हूँ आप साथे सहमत छुं। भूतकाल में एकाद जणो एवो मने लाग्यो के बराबर नतो, पण हमणा एवो कोई नथी। मारे अत्यारे कोई पर शंका नथी। अच्छा, अत्यारे पेशेंट क्या है? पेशेंट जनरल हॉस्पिटल में गर्भपात जो प्रक्रिया पूरी थी एना पछी दाखल रहेवुं पड़े, एक दिवस त्यां छे। अच्छा, एटले पोतानी गर्भपात थयो नथी, परंतु ब्लडिंग थता एने तमारे दाखल करवी पड़ी अने एने कारणे डॉक्टरनी राय हती के आने बाळकने पड़ी गयो छे। अच्छा, एटले हवे एवी वात एक पाछी फरी एक नवा शंकाना दायरामां आवी के कोईए पण आवुं एने गर्भपात थाय एवो प्रयत्न कर्यो छे। ए माटे ए तो बहु मोटो प्रश्न है, पण एवं शक्य ज नहीं लगतु मने के एक जणो एकलो तो करी ना सके। 3 जना होय ओछामां ओछा के भाई आपणे एने गोळी खवडावीने गर्भपात कराईए तो ज थई सके, तो एवो तो बनी ना सके। मने तो नहीं लगतु, मने तो आ अकस्मात लागे छे। अच्छा, अकस्मात छे। कोईनुं कारण छे, एनुं कारण छे के एक माणस कोई गोळी खवडावी सके नहीं। अच्छा, कारण के मेंटली छे ना माटे, कारण के एक गोळी खवडावनार सिस्टरोनी हाजरीमां गोळी खवडाववानी होय छे। हां, तो एने कोई माणस जईने गोळी खवडावे एवं कोईने खबर ना पड़े एवं बने नहीं। अच्छा, बीजू एक गोळी नहीं होती, गर्भपात करावा माटेनी आखू पेकेट होय छे। कैमरामां आवरजवरना फोटा छे अने बीजा जे बारेथी अंदर आवे छे ने जे एना फोटा छे, एनो बेकअप जे कहेवाय लई लीधुं छे अने आज पुलिसने सोंपी दीधुं छे। एवुं थाय छे के आटलू बधु मेहनत कर्या पछी पण जो आटलो खराब बनाव बनतो होय आपणे हॉस्पिटलमां ने मने एक बेन आवीने एवुं कही गया के तमारुं काम बराबर नथी, तमे अर्धा तमे जवाबदार छो। तो मने एम थाय छे के हूँ अहींया काम शुं काम करी रह्यो छुं। मारे एटलुं सारुं काम करी जे छतांय कोई अकस्मात, आने अकस्मात कहूँ छुं हूँ, अकस्मात बनी जाए तो 1-2 जणा आवीने एम कही गया कि भाई आ तमे बराबर नहीं करता काम, तमारू लापरवाही छे। तो मने एम थाय छे के मारे हवे अहींथी का तो राजीनामु आपी देवुं जोईए का तो पछी बदली करावी। जे रातना सिक्योरिटी वाला है ये लोग तो पोते चौकी गया है, लोगों ने एम लगे है कि आ तो अमे शक दायरा में आई गया। ये चालू है प्रक्रिया, अमे पुलिस साथ संपर्क में छे अने काले जयरे लोही पड़वा मंड्यु त्यारे तरत पुलिस ने पहला मैं जाण करी, पछी गर्भपात करायो, पछी एनो साफ करायो।